सो गाइस यार आपका स्वागत है एक और न्यू GD5 की वीडियो में। एंड हम लोग भागे भागे अपनी जॉब की तरफ जा रहे हैं। आपको पता होगा सुबह जैसे ही उठता हूँ मैं जॉब के लिए जाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि आप अपना जॉब कहाँ करते हैं। अरे ऐसी बात है क्या, मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं अपना जॉब कहाँ करता हूँ। मैं अपना जॉब करता हूँ सिमियन के पास। आपको पता होगा यार सिमियन मेरा मालिक है, तभी ना मैं उसका इतना सारा काम करता हूँ। मैं उसका सारा चीज गाड़ी उड़ी चुराने में मदद करता हूँ। बट पता नहीं आज उसने ना मुझे मैसेज करके बोला कि यार वो बहुत ही यूनिक काम करने के लिए बोला है। बट एक सेकंड, यहाँ के आदमी लोग को क्या हो गया, भाग क्यों रहे। अरे फ्रैंकलिन भैया आपका गंदा शकल देख करके लोग भाग रहे हैं। अरे सिंचन हट, फालतू वाला बात करते। मेरा गंदा शकल मतलब कि मेरा शकल देख के क्यों भागेंगे, मेरा शकल तो अच्छा है ना। नहीं दोस्तों कमेंट करके बताना फ्रैंकलिन भैया का शकल कैसा है, गंदा है ना। अरे यार तू तो जैसा तेरा तेरा जैसा तुम चाहोगे ना, तो मेरा शकल को इतना बुराई करोगे ना कि मार ही दोगे। अरे नहीं, एक हद होती है गंदापन की, आपकी तो बहुत ही गंदी है। अरे यार सिंचन ना सक चेहरा के बारे में ना बोलो, चलो चुपचाप। अगर लेट हो जाएगा ना तो सिमियन मेरी तनख्वाह काट देगा। अरे क्या काट देगा, पंखा काट देगा। अरे नहीं तनख्वाह तनख्वाह मतलब सैलरी काट देगा मेरा, हमको फिर पैसे कम मिलेंगे जिसकी वजह से चोको चिप्स हम नहीं ले पाएंगे। अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी चलिए जल्दी चलिए, अगर पैसे कट गए ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अरे यार पागल, तेरे चक्कर में हम गलत जगह आ गए। पहले बोलता है कि भाई पैसे कटने नहीं चाहिए, दूसरे बोलता है तनख्वाह क्या होती है, और अब बोल रहा है कि भाई छोड़ूंगा नहीं। पागल है क्या सिंचर, अभी जल्दी से चलते यार उछल कूद करके। अरे वाह गाड़ी को स्टंट मैन बना के रखे। दोस्तों देखो फ्रैंकलिन भैया पीछे का चक्का उठा रहे हैं। अरे यार सिंचन वो पीछे का चक्का उठाना मेरा कला है, देख रहे हो गाइस आप भी देख पा रहे हो मैं पीछे का चक्का कितना आराम से उठा पा रहा हूँ, मतलब इससे स्पीड भी बढ़ रही है। बट एक सेकंड, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। अरे एक्सीडेंट होगा तो आपका तो बहुत ही तजुर्बा है, फ्रैंकलिन भैया का 50,000 सालों का एक्सीडेंट कराने का तजुर्बा है, आपको पता है दोस्तों। अरे ओए सिंचन उल्टा पुल्टा ना बोल, मेरा कुछ तजुर्बा परजुबा नहीं है, वो तो गलती से एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कम एक्सीडेंट करने का, देख रहा हूँ गाड़ी में ऐसा चला रहा हूँ कि एकदम मतलब कि कुछ दिक्कतें ना हो। अबे हट जाओ तुम लोग सब, मुझे जाए दो सिमियन के पास। अगर मैं जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचा तो मेरा सिमियन मेरा तनख्वाह पूरा काट देगा। अरे अरे फ्रैंकलिन भैया आप मेरे को कहाँ फेंक दिए। अरे आ रहा हूँ सिंचन आ रहा हूँ, सिर्फ तेरे चक्कर में हुआ है, जल्दबाजी के चक्कर में मैंने गिरा दिया तुम्हें, हट यार सिंचन। अरे आप तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, जानबूझ के मेरे को गिरा दिए। अरे यार सिंचन मैं तेरे को जानबूझ के नहीं गिराया। सो गाइस यार हम लोग आ चुके भाई, ये रहा सिमियन। और भाई ये क्यों बुलाया मुझे। अरे सिमियन बताओ यार क्या बात हो गई, इतना सुबह सुबह मेरे को बुला लिया, मैं तो लेट से आया करता था ना यार। अरे क्या हुआ टकली अंकल, हमें चोको चिप्स देने के लिए बुलाए ही क्या। मुझे टकला मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लगता है, मानता हूँ कि मेरे खोपड़ी में बाल नहीं है, बट मुझे टकला ना बोलो। बच्चे सुनो, तुम लोग दोनों को मुझे काम देना है, अगर ये काम करोगे तो मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, पैसे दूंगा। अरे यार इतनी सारी चीज देगा क्या है सिमियन, क्या करने के लिए बोल रहा है भाई। किसी को कतल उतल करने के लिए नहीं बोल रहा, वो सब नहीं करेंगे, अच्छा काम करने के लिए बोलेगा तो हाँ कर दूंगा। फ्रैंकलिन भैया झूठ क्यों बोल रहे हो, आप तो पैसे के लिए वो भी कर दोगे। चुप कर जा सिंचन चुप कर जा, अगर पुलिस लोग को पता चल गया ना तो मेरे भाई वॉट लग जाएगी। सिमियन जल्दी काम बताओ। तुम्हें जाना पड़ेगा नीड फॉर स्पीड की दुनिया में, वहाँ जाके रेस करना पड़ेगा, और हाँ रेस को जीत के आना पड़ेगा, और हाँ जो जीतेगा वो वाली गाड़ी उसे मिल जाएगी, और तुम्हें वो गाड़ी लेके आनी है लॉस सैंटोस में। अगर तुम ये काम नहीं करते हो तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। हे हे हे। अरे दोस्तों फ्रैंकलिन भैया को बोला जा रहा रेस करने के लिए, बट इन्हें पता ही नहीं फ्रैंकलिन भैया कितने गंदे ड्राइवर है, वो तो कभी 7 जन्मों में भी नहीं जीत सकते। अरे सिंचन जीत जाऊंगा चिंता ना कर, मैं कुछ ना कुछ करके जीत ही जाऊंगा। सिमियन मुझे लोकेशन बता दो, मैं जाकर रेस कर लूंगा। बट एक सेकंड, नीड फॉर स्पीड तो लॉस सैंटोस में है ही नहीं। ए तुमने सुना नहीं, नीड फॉर स्पीड की अलग दुनिया है, तुम्हें वहाँ जाने के लिए ये वाली बाइक मदद करेगी, ये वाली बाइक में बैठो और चले जाओ वहाँ पे। अच्छा ऐसा है क्या, चलो एक बार ट्राई मारते हैं। चल सिंचन एक बार ट्राई मारते भाई, ये बाइक में बैठ करके तुम भी पीछे बैठ जा, और भाई हम लोग चलते हैं भाई नीड फॉर स्पीड की दुनिया में, क्या पता यार सच हो जाए, और वहाँ पे कौन सी बाइक मिलेगी वो भी देखना पड़ेगा। अरे सिंचन कुछ हो नहीं रहा, क्या करूं। अरे फ्रैंकलिन भैया एक बटन है लाल कलर की, दबाइए। अच्छा जा दबाता हूँ, एक सेकंड दबाया। अरे फ्रैंकलिन भैया ये गाड़ी तो बहुत ही कमाल की है, हम लोग तो यहाँ पे कैसे आ गए। अरे हाँ यार सिंचन ये जगह तो बहुत ही कमाल की दिख रहा है, BMW कार मिली है, अगर हम लोग जीत गए ना तो ये वाली कार हमें GTA में ले जाने की मौका मिलेगी, तो यार हम लोग को जीतना ही पड़ेगा। अबे हट जाओ पंटर लोग, फ्रैंकलिन भैया का ड्राइविंग देख लो। अरे दोस्तों हट जाओ हट जाओ हट जाओ, फ्रैंकलिन भैया ना नीड फॉर स्पीड में सबको ठोकेंगे सबको ठोकेंगे, निकल लो निकल लो। अरे ठोक देंगे, निकल लो निकल लो। अरे रे खुद ही ठोका गए। अरे सिंचन चुप हो जा, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दे।
अरे रे क्या ट्रेड करने दूं? अरे यार सिंचन कॉन्सेंट्रेट करने दे कि मुझे रेस कंप्लीट करने दे, मतलब यहाँ पर रेस कुछ भी करे कंप्लीट करना ही होगा जिससे मैं यार ये वाली गाड़ी को BMW कार को ले पाऊँ। और भाई साहब यहाँ पे इतनी खतरनाक ड्रिफ्ट के साथ फ्रैंकलिन यहाँ पे ले भाई साहब, अरे भाई साहब हट जाओ यहाँ से, साइड में आए थे फुटुंगर जैसा। अरे दोस्तों फ्रैंकलिन भैया तो सबको मारते हुए मतलब कि चौथे नंबर पे है, ऐसे आप कैसे जीतेंगे, आपको कम से कम नंबर वन में तो आना ही पड़ेगा। अरे हाँ यार मैं भी वही सोच रहा हूँ, बिना नंबर वन के तो मैं कैसे जीत पाऊंगा, बिना नंबर वन के तो मुझे ये गाड़ी भी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ करके नंबर वन में आना ही पड़ेगा। इस क्या करे क्या करे, ड्रिफ्ट मारते हैं लेकिन क्या सेकंड यार, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ भी करके ये जो सामने वाला आदमी लोग उन लोग से आगे भागना ही पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे भाग पाएंगे, आपका ड्राइविंग तो बहुत ही खतरनाक है, देखो देखो सबको ठोक रहे, इधर भी ठोके क्यों? अरे यार गलती से ठुकरा, मैं जानबूझ के कहाँ ठुक रहा हूँ, अबे यार हट जाओ सामने से हट जाओ, अरे 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 ठुकते ठुकते बच गए यार हम लोग, भाई साहब फिर फोर्थ नंबर हो गए, अरे फिफ्थ नंबर हो गए। अरे फ्रैंकलिन भैया आप छोड़ दीजिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला, आप इसमें भी हारेंगे ही। अरे नहीं सिंचन मैं नहीं हार सकता, भाई साहब मैं नहीं हार सकता, सिमियन बचा हुआ है। अरे कैसे नहीं हार पाएंगे, ये फाइनल लैप है, इसके बाद खत्म हो जाएगी। अरे यार हाँ यार इसके बाद तो खत्म हो जाएगी, तो मैं क्या करूँ? अरे स्पीड भगाइए स्पीड। अरे यार स्पीड भगाने के चक्कर में मेरा कुछ नहीं हो रहा, कुछ हमको जीतना ही पड़ेगा इन लोग से, तो जीतिए ना, वेट क्यों कर रहे, तुम उठा के पटक दीजिए सबको। अरे यार पटकेंगे कैसे जब तक गाड़ी स्पीड नहीं चलेगा, अबे चल लेना स्पीड, भाई बूस्ट इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह इसमें तो बूस्ट भी है, मार के उड़ाइए ना। अरे मार के उड़ाइए वाला गाड़ी कहाँ चला गया मेरा, अरे भाई साहब। अरे भाई ये क्या हो गया, ओ गाइस हम लोग वापस स्पॉन हो गए रास्ते में, मतलब कि वहां से हम लोग ठुकर यहाँ पे हो गए, भाई साहब ये क्या हो रहा है। अरे आपकी बकलोलिया ड्राइविंग की वजह से हम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे, अरे हार गए आप क्या करें। अरे गाइस और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे बगल में फिनिश लाइन है, अगर हम लोग यहाँ से पार कर गए तो मतलब कि गाड़ी इन लोग को देना पड़ेगा। अरे तो आप क्या सोच रहे क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सिंचन, गाड़ी को लेके GTA में भाग जाते हैं, इन लोग भाड़ में जाए, इन लोग का गाड़ी देवे नहीं करेगा, भाड़ में जाए वापस से हम लोग चल जाएंगे। अरे दोस्तों फ्रैंकलिन भैया उल्टा जा रहे हैं, अरे उल्टा कहाँ जाएंगे। अरे यार मैं चले जाऊंगा GTA के वापस की दुनिया में, एयरपोर्ट देखो यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ से फ्लाइट पकड़ूंगा और GTA पहुंच जाऊंगा गाड़ी को लेके, अगलम बगलम तमलम, तो जल्दी से GTA में आ जाए पो। इन लोग गाड़ी लेके आ गया, वाओ इतनी खतरनाक गाड़ी इन लोग कैसे लेके आ गया, सच में इन लोग ने रेस जीत लिया। अरे सिंचन जल्दी बाहर उठ जा, बाहर उठ जा। अरे यार हम लोग तो गाड़ी सच में भगा के लेके आ गए। अरे दोस्तों कोई सिमियन अंकल को बताओ कि फ्रैंकलिन भैया रेस जीते थोड़ी ना है, वो तो चोरी करके वहाँ से भी चोरी करके गाड़ी को ले आए हैं। अरे सिंचन चुप हो जा पता नहीं चलना चाहिए, चुप हो जा सिमियन को, देखो सिमियन यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी है। अरे अरे यही लड़का है, यही आदमी नीड फॉर स्पीड से गाड़ी चोरी करके आया, यही है हाँ यही है। अरे फ्रैंकलिन भैया आप पीछे देखिए, नीड फॉर स्पीड के आदमी हम लोग के पीछे पड़ के क्या करें। अरे सिंचन भाड़ में जा सिमियन, भाड़ में जा, इसका प्लान जल्दी गाड़ी में बैठ और यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना नीड फॉर स्पीड में ले जाके इन लोग बहुत मारेंगे मुझे। अच्छा सिंचन जल्दी बैठ जा, जल्दी बैठ जा। अरे हाँ मुझे भी बैठना पड़ेगा, आपके चक्कर में मुझे भी मार खिलवाएंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया आपके पीछे ये लोग सब लग गए। अरे हाँ यार ये लोग तो सब पीछे लग गए, मुझे पीछे पकड़ रहे सब लोग। अरे रोको रोको गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है, गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है, गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है, गाड़ी को पकड़ो गाड़ी को पकड़ो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो आपको गाड़ी के लिए रोक रहे हैं। अरे सिंचन भाग जा, रोक नहीं रहे गाड़ी के लिए, ये हम लोग को देख लेंगे ना तो बहुत बुरा मारेंगे। गाइस यार हम लोग गए चोरी करके लेके आ गए वहाँ से सारे रेसर लोग और सब लोग गुस्सा हो गए, हम लोग को पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया तो क्या करेंगी। अरे सिंचन ज्यादा कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दो लोगों को और बेल आइकन को दबाने बोल दो, लाइक करने बोलो, शेयर करने बोलो। देखो यार हम लोग कितनी जान में जोखिम डाल के वाली गाड़ी यहाँ पे लिखी थी खतरनाक वाली, ये वाली गाड़ी के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, कल की वीडियो में कंपैरिजन करेंगे अपनी लैम्बोर्गिनी के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि ये वाली BMW कार कैसी लगी। ओके बाय दोस्तों। अरे हाँ दोस्तों फ्रैंकलिन भैया की घटिया ड्राइविंग के लिए लाइक जरूर करना।